3, 2, 1. शक्षुका अगेन yes. इतना अच्छा लगा, इतना टेस्टी लगा मेरे को कि मैं रुक नहीं पाया। तो आज हम जाने वाले हैं एलिफेंट बीच। हम यहाँ पे स्पॉट पहुँच गए जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है एलिफेंट बीच की। यहाँ पे पहले एंट्री होती है, फिर दे असाइन अ गाइड, फिर वो गाइड के साथ हम जाते हैं एलिफेंट बीच पे। गाइस यहाँ पे मतलब आपको गाइड ले जाना रिकमेंडेड है, वैसे मतलब ऐसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ही दो तीन रास्ते कटते हैं, गाइड ले जाओगे तो बहुत इजीली हर चीज़ हो जाएगी। ये गर्जन का पेड़ है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ यूज़ होता है फर्नीचर एंड वगैरह उस सब पे। तो भाई का भी जो फर्नीचर है वो गर्जन का ही बना हुआ है। इसमें तो हम सबके पैर आ जाएंगे, हम तीनों के पैर आ जाएंगे साथ ही के पैर। ये घना जंगल है और जब गाइड आपको यहाँ की छोटी छोटी चीजें बताता है तो ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा, इसकी अगर चटाई बनती है तो बहुत ठंडक देती है। वाह, समझे? हाँ, जंगलों में सब कुछ है। फ्लाइट से ले जा सकते हैं। अराउंड 35-40 मिनट्स वॉक करके हम पहुंच गए इस सेक्लूडेड बीच पर। हम जो है एलिफेंट बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक जरिया है कि हम बोट के थ्रू आ सकते हैं, जैसे कि वो वाली बोट है उसमें मतलब आप आ सकते हो और 5-10 मिनट आपको स्नॉर्कलिंग करना है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हम यहाँ पे इस वाले रास्ते ट्रैकिंग करके आए हैं, तो अभी हम किसी गाइड से यहाँ पे बात करेंगे और स्नॉर्कल जो है उसको हम शुरू करेंगे। अभी लोग नहीं आए हैं ज़्यादा, तो शायद और ज़्यादा मज़ा आए, क्यों है ना? सबसे बढ़िया यहाँ पे स्नॉर्कल के लिए कौन सी स्पॉट है? ये स्पॉट वो दिखी, ये वाला फ्लोटर जो दिखा है, वही स्पॉट है उसका। यहाँ पे जो सबसे खतरनाक एक्टिविटी जो कि पूरे इंडिया में एक ही जगह पे होती है, वो एंडमेंस में यहाँ एलिफेंट बीच पे सी वॉक। तो जैसे कंपनी कॉल सी वॉक, तो ये लोग यहाँ पे आपको एक हेलमेट पहना के नीचे सी वॉक कराते हैं, और फिर वो एक अलग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तो हम लोग ये थोड़ी देर में ट्राई करने वाले हैं, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस और वो अपडेट करेंगे। ये स्नॉर्कलिंग काउंटर है, तो हमने यहाँ पे स्नॉर्कलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। दिस इज़ द कैमरा जो कि ये लोग यहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कैमरे की वजह से आप जो है अपनी मेमोरीज को बना सकते हैं। और तो यहाँ पे शावर और मतलब सब फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको चेंज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, और पोस्ट एक्टिविटी भी आप यहाँ पे आके अपने आप को ड्राई और चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, आगे देखते हैं। अभी हमने चेंज कर लिया और फिर एक्टिविटी के लिए तैयार। तो गाइस स्नॉर्कलिंग के लिए हमें एक लाइफ जैकेट और एक ये वाला जो भैया के पास है, ये मास्क पहनने की, फेस मास्क पहनने की जरूरत होती है। तो शुरुआत हो चुकी है। हाँ, ये क्या पहन लिया? अभी ब्रीफिंग हो रही है, तो ब्रीफिंग में हमें सिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ब्रीफिंग करनी है। और ये देखो MJ कैसे फ्लोट कर रही है। Unlike diving, which is under deep water, snorkeling में आप पानी के सरफेस पर फ्लोट करते हुए फेस मास्क और एक ब्रीदिंग ट्यूब की हेल्प से पानी के अंदर की दुनिया से रूबरू होते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एलिफेंट बीच पर अंडमान के बेस्ट कोरल्स हैं और यहाँ वैरायटी ऑफ फिशेस देखकर दिल खुश हो जाता है।
मछलियों के झुंड हमारे चारों तरफ तैर रहे हैं और हमें अपनी खूबसूरत सी दुनिया का पार्ट बना रहे हैं। इन्हें देखकर एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ गया, बट इतने में यहाँ से बाहर आने का टाइम आ गया। यार आप बहुत सही, आप भी क्या कर रहे थे, जबरदस्त यार, क्या एक्सपीरियंस है यार। फिश आपके साथ साथ पूरा टाइम चल रही है और बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है यार। थैंक यू सो मच, आपको मस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप यहाँ पे करने आओ तो आपको यहाँ पे आना ही आना है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। स्नॉर्कलिंग आपने कहीं पे की हो या नहीं की हो, यहाँ पे आओगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। तो गाइस अगले एक्सपीरियंस की शुरुआत हो चुकी है, हम अब जा रहे हैं सी वॉक पे। यहाँ पे ये वाली बोट है भैया, तो भैया जो है हमें बोट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक्साइटेड तो क्योंकि इंडिया में एक ही जगह होती है तो बहुत एक्साइटेड वैसे ही है, और हमने जो इसकी फोटो वीडियो देखी है उसको देख के वैसे ही गूज़बम्स आते हैं। तो अभी हम बोट पे जा रहे हैं, बोट हमें एक डेसिग्नेटेड जगह पे लेके जाएगी और वहाँ पे फिर वो हम सी वॉक की तरफ हम शुरुआत करेंगे। अंजय कहाँ जा रही है? सी वॉक तो कर रही है, तू पानी पे ही तो है तू। भाई इस बोट पे हम चढ़ रहे हैं और ये हमें कहाँ कहाँ लेके जाएगी भैया? उधर लेके जाएगी, वो उधर तरफ पे लेके जाएगी और फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। हम बैठ चुके हैं बोट, अब चलने की तैयारी में है। पानी के अंदर की दुनिया इतनी सुंदर लग रही है कि हम अलग अलग तरीके ढूंढने लगे इसे बार बार देखने के लिए। यहाँ 15-20 मिनट का एक ब्रीफिंग सेशन हुआ। ब्रीफिंग हो चुकी है और हम यहाँ से लैडर है, लैडर से हम नीचे जाके, तो लेट्स गो फॉर सी वॉक। अभी यहाँ से हम ये वाला लैडर नहीं, ये लैडर अलग थी, अब ये वाला लैडर जो है इस लैडर से निकल के, ये हेलमेट जो है ये अगर आप पहनते हो तो आप अंदर नॉर्मल सांस ले सकते हो, पानी नहीं जाता। तो सी वॉक एक नॉर्मल एक वॉक है, लेकिन ये एस्ट्रोनॉट का हेलमेट है, ये हवा में नहीं पानी में काम करता। तो सर इज द वन जो इन्होंने हमें मौका दिया, सर थैंक यू सो मच। Yes, you can walk at the bottom of the sea. नीचे आते आते ears में pressure आने लगता है, तो मेरे instructor guide कर रहे हैं इसे ठीक करने के लिए। हम पहुंच गए हैं sea में 10 meter deep. नॉर्मली खड़े होकर फिशेज एंड कोरल्स को इतना नजदीक से देखना आश्चर्यचकित कर रहा है। येलो फिश, व्हाइट फिश, टाइगर फिश एंड लुक एट दीज नीमो फिश। अपने कोरल वाले घर में ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब तक तो एक्वेरियम बाहर से ही देखे थे और आज हम इसका पार्ट हैं।
इस सी वॉक ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नेचर को थैंक यू बोलने का इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। हम इतने खुश हैं कि डांस करने का मन कर रहा है। तो गाइस अगर मतलब आप यहाँ पे स्कूटी रेंट कर सकते हो, अगर आप स्कूटी नहीं रेंट करना चाहते तो आप टैक्सी ले सकते हो। तो ये आकाश भाई है हमारे, तो मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इनकी टैक्सी सर्विस से बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो आपको हैवलॉक में कोई भी एक कभी गाड़ी की ज़रूरत हो तो हमारे पास जो है गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है। आकाश भाई का नंबर फ़ोन मिलाओ और आपके पास गाड़ी हाजिर है। पूरा डीप रिलैक्सेशन की तरफ हमको लेके चलेंगे, मसाज कराने वाले हैं दास स्पा एंड मसाज। तो जितने भी हमारे स्ट्रेस पॉइंट्स हैं और वो हैं, आज सब हम पूरे उसको डी स्ट्रेस कर देंगे और जितनी थकान है उसको सारी उतारने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। ये कढ़ाई पनीर नहीं, पनीर चटपटा, और ये है यहाँ की शाकाहार स्पेशल सब्जी। भाई साहब सब पे गजब, क्या चटपटा है, मसालेदार, मज़ा आएगा खा के। मेक श्योर कि अगर आप वेज खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आए, आपका मन खुश हो जाएगा।